सर, Xiaomi ने अपने Redmi Buds 5A निकाले हैं इंडियन मार्केट में, एंड ये A का मतलब यहाँ पे एक्टिनोइस कैंसिलेशन है, यहाँ पे बेसिक ANC मिल जाती है, और ये ईयरफोन्स आपको MI स्टोर पर मिल जाएंगे, रिलायंस स्टोर पर मिल जाएंगे, Amazon Flipkart पे अवेलेबल नहीं थे जब तक मैंने परचेज किया इनको। प्राइस काफी एग्रेसिव रखा है, तो चलिए एक बार अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स कंटेंट से लेके इसके लुक डिजाइन पे नजर डालते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं भाई, Redmi के Buds 5A का बॉक्स कुछ इस टाइप से मिलेगा, टिपिकल Redmi बॉक्स आपको मिलता है, जहाँ पे राइट साइड में काफ़ी फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं, इंक्लूडिंग 5.4 ANC यहाँ पे मिलता है आपको, IPX4 है, फास्ट चार्जिंग है, 30 आवर बैटरी बैकअप, AI ANC भी है, एंड 12mm के प्रो ड्राइवर्स हैं। लेफ्ट साइड में आपको फास्ट पेयरिंग का यहाँ पे सिंबल मिलता है, एंड पीछे की तरफ बॉक्स कंटेंट लिखे हुए हैं, MI के ऑथेंटिक सील है, एंड आप यहाँ पे ये सिंपली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल जो कि काफ़ी सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसके अलावा आपको 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयरबड्स मिल जाएंगे, एंड जस्ट आपकी ईयरबड्स यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कोई भी चार्जिंग केबल साथ में देखने के लिए नहीं मिलती, एंड टिपिकल रेडमी वाले ही ईयरफोन्स ये देखने के लिए मिल रहे हैं, बट थोड़ा सा यूनिकनेस क्रिएट किया है, हल्का सा ओप्पो वाले फीलिंग भी यहाँ पे आ रही है, आपको मिडल से एक लाइन, शाइनी वाली लाइन देखने के लिए मिल जाती है, सामने की तरफ काफ़ी फ्लैट चीज़ दी गई है, मतलब कुछ भी इंडिकेटर वगैरह नहीं है, एक नीचे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, पीछे की तरफ आपको रेडमी की ब्रांडिंग दी गई, एंड अभी के लिए मेरे को यहाँ पे कोई भी LED इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, शायद है नहीं है, वो हम चेक करेंगे ईयरबड्स निकालने के बाद। जी हाँ, नीचे आपको बॉटम में एक LED इंडिकेटर मिल जाता है, और जो फिनिश है ना, ये आपकी मैट फिनिश है, थोड़ा सा खुरदरा लग रहा है, बाकी ईयरफोन्स स्क्रैचेज इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, जो आपके ईयरबड्स हैं उस पर लगे ये टेप, इसको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज इसके बिना आपके ईयरफोन्स चार्ज नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, एंड मैं इसको वापस से केस में एक बार रख देता हूँ। केस में रखने के बाद आप फिटिंग चेक कर सकते हैं, काफ़ी टाइट है, एंड केस में आप इसको इजीली रख सकते हैं। जो ईयरबड्स हैं आपके, वो सामने आप देखने LED इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है, एंड सिलिकॉन की एयरटिप्स मिलती है, लेफ्ट राइट का इनिशिएशन मिलता है, एंड जो यहाँ पे बुफर है वो आपको कुल मिला के ठीक ठाक ही मिलता है, मेरे को मेटलिक ये फील नहीं हो रहा है, एंड आप एयरटिप्स भी चेंज कर सकते हैं। ईयरबड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो यार प्रोडक्ट देखने में काफी ठीक है, बट खुरदरा सा आपको टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे बंदे ने बताया ये थोड़ा सा आपको ओप्पो एंगो बर्ड्स की याद दिलाएगा। ईयरबड्स की ईयर फिटिंग मेरे को कुल मिला के सही लगी, आप इनको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, एंड यहाँ पे आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है, जिसका मतलब ये है भाई स्वेट रेजिस्टेंट ये है एटलीस्ट, तो अगर आप इनको यूज करते हैं जिम के टाइम पे या फिर रिंग जॉगिंग के टाइम पे, तो हल्का फुल्का स्वेट निकले, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, तो कंफर्टेबल ये है डेफिनेटली। एंड अगर आप बात करते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट के यहाँ पे, तो 5.4 अवेलेबल है गूगल की, फास्ट पेयरिंग मिल जाती है, एप्लीकेशन सपोर्ट, बट एप्लीकेशन को मैं इस टाइप से बोलूंगा भाई, नाम के लिए एप्लीकेशन सपोर्ट है, बिकॉज फीचर फंक्शन वहां पे ANC को छोड़ के आपको कोई नहीं मिलता। ANC आप चेक कर सकते हैं, गेम मोड चेक कर सकते हैं, एंड बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं, दैट्स इट, ना तो आपको टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता, ना ऑडियो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता, तो एप्लीकेशन होना ना होना यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई सेम ही है, इतना कोई बेनिफिट नहीं है। बट अगर ऑडियो क्वालिटी की मैं बात करूँ, तो वो लोग यार जो थम्पी बेस के लिए तरस जाते हैं भाई, मेरे को थम्पी बेस चाहिए, पंची बेस चाहिए, इस टाइप का बेस चाहिए, तो यहाँ पे आपको 12mm के ऑडियो ड्राइवर्स मिलते हैं, जो कि काफी अच्छा बेस प्रोड्यूस करते हैं, बेहतरीन बेस मिल जाता है, उसके साथ ऑडियो क्लैरिटी भी ठीक ठाक है, चाहे 100% में आप ऑडियो सुन रहे हो, डिस्टोर्शन आपको काफी मिनिमल आएगा। तो ये ईयरफोन्स मैं डेफिनेटली आप लोग को रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आपको रेडमी ईयरफोन्स चाहिए या फिर Xiaomi का फोन है, रेडमी का फोन है, आप चाहते हैं उस कंपनी के ही ईयरफोन्स थे, तो आपके लिए बेहतर है। साथ साथ जिनको ANC चाहिए अच्छी क्वालिटी वाला, तो उनको भी मैं प्रेफर कर रहा हूँ, एंड ऑडियो क्वालिटी शानदार है ही यहाँ पे। बट टच कंट्रोल को लेके मैं थोड़ी शिकायत जरूर करूंगा भाई, टच कंट्रोल उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, कभी काम करते कभी काम नहीं करते, एंड ऑकवर्ड प्लेस पे टच कंट्रोल यहाँ पे दिए गए ऊपर की साइड, जो कि प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, एंड थोड़ी बहुत दिक्कत वहां पे टच फंक्शंस को लेके डेफिनेटली मेरे को आई। अब द ANC 25 dB का एक्टिनोइस कैंसिलेशन अवेलेबल है, जो कि काफी बेसिक लेवल ऑफ ANC है, बट ANC है और वो काम भी करता है, जो अदर ब्रांड्स यहाँ पे हैं, मैं बोट नॉइस एंड बोल्ट जैसे ब्रांड को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, उनके मुकाबले यहाँ पे 25 dB बेहतर है और काम करता है एक्चुअल में, ट्रांसपेरेंसी भी काम करेगा, AI ANC भी काम करेगा, एंड ANC भी यहाँ पे काम करता है, और उसका इफेक्ट आपको डेफिनेटली नजर आने वाला है, तो उसको आप टॉप नॉइस नहीं बोल सकते, बट क्या 1500 रुपए के हिसाब से जितना आपको मिलना चाहिए उससे बेहतर आपको यहाँ पे ANC निकाल के देते Redmi के Buds 5। एंड अगर आपको गेमिंग करनी है, तो यहाँ पे 60ms मिल जाएगा फॉर लो लेटेंसी, एंड लेटेंसी में यार मेरे को कुल मिला के ये फोन ठीक लगे, इतना आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, कैजुअल गेमिंग ही आप करेंगे T-Plus से,
प्रोफेशनल के लिए तो आप वाइड ईयरफोन्स या फिर प्रीमियम लेवल फोन्स यूज करेंगे, राइट तो कैजुअल गेमिंग के लिए काफी अच्छे ईयरफोन्स है, यूज कर सकते हैं बिना दिक्कत। नाउ बैटरी बैकअप यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग पार्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जो बैचलर बैटरी बैकअप या फिर पावर हाउस खोज रहे हैं ईयरफोन्स में। तो यहाँ पे केस के साथ 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है जो अपने आप में काफी अच्छा है, बट स्टिल यार वो लोग भी अवेलेबल हैं मार्केट में, यूजर्स हैं जो 30 घंटे को इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं कंसिडर करते, 50 घंटा 60 घंटा होना चाहिए बैटरी बैकअप, वो ये एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। तो ये आपको 30 आवर का बैटरी बैकअप दे सकते हैं, एंड अगर आप ANC यूज करेंगे 5 घंटे के अराउंड आपको बैटरी बैकअप मिलेगा सिंगल टाइम चार्जिंग में, उसके बाद अगर बिना ANC के यूज करेंगे थोड़ा बेटर आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट स्टिल यार आप इसको कितना भी मैक्सिमम कैपेसिटी भी यूज कर ले, 4-5 दिन तो ईयरफोन सबके आराम से चल जाएंगे एंड वो काफी सेटिस्फाइंग थिंग हो जाती है। अब अगर ऑडियो क्वालिटी की मैं बात करूं, माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करूं भाई, तो माइक्रोफोन यहाँ पे आपको डुअल माइक्रोफोन सेटअप मिलता है, AI ENC एंड ANC दोनों को दोनों जो है चीजें अवेलेबल है, तो एक बेटर आउटपुट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड वो आपको चीज मिल भी जाती है अगर आप बाहर बात करते हैं तो। एक माइक्रोफोन तो ठीक है बट इस बजट में 1500 रुपए के नीचे इससे कहीं बेहतर माइक्रोफोन आपको मिल जाते हैं, बिकॉज क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप होता है जो नॉइस को काफी हद तक फिल्टर कर देता है एंड इतना नॉइस नहीं आने देता, यहाँ पे नॉइस आएगी बट आपकी वॉइस क्लैरिटी भी बरकरार रहेगी। तो ओवरऑल आप इसको ओके वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं फॉर कॉलिंग, दिक्कत नहीं है। नाउ अगर आप लोग का बजट 1500 रुपए है एक अच्छा ब्रांड की ओर से ईयरफोन्स है जहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो काम करने चाहिए भाई, तो ये ईयरफोन्स आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं ANC के लिए, म्यूजिक क्वालिटी के लिए एंड ओवरऑल कंफर्ट लेवल के लिए मैं इनको डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।